नमस्कार। जिस बात का अंदेशा था मध्य प्रदेश में वही हुआ। 26 दिसंबर 27 दिसंबर की ये वो तारीख थी जब लोग अनुमान लगा रहे थे कि राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा और चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इसके उलट 26 दिसंबर की शाम को जो आदेश आया वह हैरान कर देने वाला है, ना सिर्फ जनता को बल्कि राजनीतिक दलों के उन दावेदारों को भी जिन्होंने तैयारियां कर ली थी नगर निगम चुनाव की। दावेदारी की जा रही थी क्योंकि आरक्षण प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी, लेकिन 26 दिसंबर की शाम को राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा और उसमें स्पष्ट कर दिया कि 3 माह के लिए चुनाव टाले जा रहे हैं। यानी कि अब साफ है कि फरवरी के बाद ये चुनाव होंगे। जो कारण इसमें दिया गया है वह कारण है कोरोना, कोविड-19 की वजह से यह चुनाव टाल दिया गया, जो किसी के भी गले नहीं उतर रहा। गले इसलिए भी नहीं उतर रहा क्योंकि जिस प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हो सकता है उसी प्रदेश में उसके 2-3 माह बाद जो चुनाव की तारीख बताई जा रही थी कि चुनाव इस वक्त कराए जाएं जनवरी फरवरी में, उसके ठीक पहले दिसंबर में जब लोग अनुमान लगा रहे थे कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव तारीखों का ऐलान हो सकता है, अधिसूचना जारी हो सकती है, उस वक्त उसके विपरीत आदेश आता है कि 3 माह के लिए चुनाव टाल दिए गए। कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के अब लोग कयास भी लगा रहे हैं कि ऐसा आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, क्या और दूसरी वजह है। हालांकि जो संवैधानिक संस्थान है, आपका राज्य निर्वाचन आयोग हो, केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो, इनकी एक अलग ही प्रक्रिया चलती है। जो आदेश जारी हुआ है उसमें कोरोना संक्रमण काल का हवाला दिया गया है स्पष्ट तौर पर। जो आदेश है उस आदेश के बारे में भी हम कुछ जो मुख्य अंश हैं उसमें जिक्र करना चाहेंगे कि जो कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय निकाय और पंचायत निर्वाचन को 3 माह तक के लिए स्थगित किया गया है। इस विषयक राज्य निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन गृह जेल विभाग को पत्र लिखा, स्पष्ट कर दिया कि यह 3 माह के लिए क्यों टाला जा रहा है, उसके पीछे वजह भी दी गई है। उन वजहों में प्रमुख रूप से कोविड-19 का हवाला तो दिया ही गया है, साथ ही साथ जो पत्र में कई गौर करने वाली जो बातें हैं, पत्र में कई ऐसे बिंदु हैं जो बेहद दिलचस्प हैं और उस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से 3 माह के लिए चुनाव टाल दिया गया। पत्र में हम देखें कि इसमें दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 को प्राकृतिक आपदा घोषित किए जाने और राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के संबंध में आपके पत्र में उल्लेखित स्थिति के परीक्षण के पश्चात आयोग द्वारा नगरीय निकायों के निर्वाचन जो माह 2 दिसंबर 2020 जनवरी 2021 तक आयोजित किए जाना था, नगर परिषद शिवपुरी को छोड़कर 20 फरवरी 2021 के बाद आयोजित किए जाने का आदेश क्रमांक जो भी है वह जारी किया गया है। यानी इसमें कहा गया है कि जो प्राकृतिक आपदा घोषित की गई थी भारत सरकार के द्वारा उसको दृष्टिगत रखते हुए फैसला लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधानसभा का सामान्य निर्वाचन एवं देश के आकस्मिक रूप से, ये जो आकस्मिक शब्द है यह बड़ा गौर करने वाला, आकस्मिक रूप से रिक्त लोकसभा विधानसभा के उपनिर्वाचन संपन्न कराए गए हैं। इसी प्रकार अन्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दौरान राज्य में नगरीय निकायों और पंचायतों के निर्वाचन संपन्न करा रहे हैं जिसमें राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना प्रमुख है। यही एक बड़ी बात है कि निर्वाचन आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र में ये सभी बातें उल्लेखित किए हैं कि इस, यह भी उन्होंने सफाई पहले ही दे दी, चाहे वो विपक्ष हो या फिर आम जनता के मन में यह सवाल आए कि उपनिर्वाचन जो उपचुनाव तो उपचुनाव हो सकते हैं तो आखिरकार नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं हो रहे, उनको क्यों टाला जा रहा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वहां पर आकस्मिक स्थिति थी, वहां पर कोविड
19 संक्रमण का खतरा तो था, लेकिन स्थिति आकस्मिक थी। अब जो स्थितियां हैं वो अलग तरह की हैं। कोविड 19 संक्रमण का प्रमुख रूप से हवाला दिया गया है कि जो रिपोर्ट बनाई गई उस रिपोर्ट में ये अंदेशा जताया गया है कि आने वाले समय में जो पहले से निर्धारित अवधि थी उसमें यदि चुनाव होता तो कोविड 19 का जो संक्रमण है इससे प्रदेश के नगरीय निकायों की जनता प्रभावित हो सकती थी, उस खतरे को भांपते हुए शायद यह फैसला लिया। लेकिन विपक्ष इस पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहा है कि इसके पीछे वजह दूसरी है। प्रदेश में सत्ता भाजपा की है, विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस को भी मौका मिला था। कई तरह की बातें भी इसमें चर्चा है कि ग्वालियर में यदि कहा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इसके बाद अब किसान आंदोलन चल रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर भी उसी ब्लॉक से आते हैं, किसान आंदोलन में व्यस्तता उनकी ज़्यादा है। शायद एक ये भी एक कारण हो सकता है कि ग्वालियर में जो नगरीय निकाय है, ग्वालियर का जो बेल्ट है, वहाँ पे महापौर कौन होगा, फैसला कौन करेगा, इसमें दो ये बड़े नेता तो हैं ही, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या यहाँ की तैयारी नहीं हो पाई, या फिर मध्य प्रदेश में जितनी भी नगर निगम है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी नहीं की थी और उसे वक्त चाहिए था इसलिए इस तरह की कोशिश की गई। ये सभी जानते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग हो या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो, यह किसके अधीन होती है। मौजूद वक्त में केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कुल मिलाकर जो ये निर्णय हुआ है, इस निर्णय को लेकर उन दावेदारों में जरूर एक चिंता की बात दिखाई दे रही है जो तैयारियां पूरी कर चुके थे, उन्होंने लॉबिंग अपनी भरसक तरीके से कर ली थी कि टिकट के लिए जद्दोजहद की जा रही थी, भोपाल से लेकर दिल्ली तक की दौड़ लगी, और कई ऐसे दावेदार थे जो अपने वार्डों में, शहर में बड़े पुरजोर तरीके से यह ऐलान भी कर रहे थे कि टिकट उन्हीं की फाइनल है। शायद अब उन लोगों के लिए भी वक्त मिल गया है जो दिल्ली भोपाल की दौड़ नहीं लगा पाए, वो अब अपने नेताओं को जरूर मनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये फैसला हुआ है, कुछ नगरीय निकाय, जबलपुर एक उदाहरण है कि यह नगर निगम खाली है, भगवान भरोसे यहाँ का कामकाज चल रहा है, नए काम स्वीकृत नहीं है, जो पहले से स्वीकृत काम है उनमें रोक लगी हुई है, ठेकेदारों ने काम बंद कर दिए, ठेकेदारों के पास पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं हो रही है। अब आखिरकार यदि ऐसे हालात होते हैं और समय बीतता है, ऐसी स्थितियों में शहर का क्या होगा, क्या पूरे तरीके से सेंट्रलाइज भोपाल में कर दिया जा रहा है, 3 महीना अभी और ये बढ़ा तो जो भी नगरीय निकाय हैं इनका कामकाज, उनका पूरा कंट्रोलिंग क्या भोपाल के बलबूते ही होगी। हर कोई ये व्यक्ति जानता है कि जो नगर निगम है इनको डिसेंट्रलाइज करने के हिसाब से ही लोकल बॉडी की जो गवर्नमेंट थी इस तरह का एक परिकल्पना की गई थी, लेकिन लोकल बॉडी की परिकल्पना के साथ में जो कार्यावधि है, जो कार्यकाल है, कुछ समय तक ठीक है, किन्हीं कारणों से लोग इस बात को स्वीकार भी कर सकते हैं कि बीच में जो कोरोना की स्थिति थी, कोरोना का जो संक्रमण था उसका ग्राफ बेहद ज़्यादा था, कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब सवाल यही है कि जो उप चुनाव हो सकते हैं उस वक्त क्या ग्राफ कम हो गया था, कंट्रोल में था, और अब अचानक फिर से क्या ग्राफ बढ़ गया है। कई तरह के सवाल हैं और ये आने वाले वक्त में जो विपक्ष है वह भी उठाएगा। हालांकि हाई कोर्ट में भी याचिकाएं पहले भी लगी हैं और अभी हो सकता है कि कुछ विपक्ष के लोग फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, क्योंकि पहले जो याचिकाएं दायर की गई उनमें यही जिक्र किया गया था कि चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएं नगरीय निकाय के। हम ये देखेंगे और हम जानने की कोशिश भी करेंगे कई लोगों से, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, कि इस पूरे मामले को, फैसले को वो किस नज़रिए से देखते हैं और क्या यह खास तौर पर जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जो बड़ी नगर निगम है, नगरीय निकाय हैं, इन नगरीय निकायों
कि यदि उस तासीर को देखा जाए और उसके वहाँ के विकास कार्यों को देखा जाए जो काफ़ी समय से रुके पड़े थे और वहाँ जो नए विकास कार्य शुरू होने थे, क्या यह फैसला सही होगा? बहुत बहुत धन्यवाद, हम फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे।